नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने किस तरह बंगाल में जो है ममता बनर्जी के खिलाफ रैली निकाली थी। लॉकेट चटर्जी से लेकर सुवेंदु अधिकारी से लेकर के भाजपा के तमाम दिग्गज जो है वहां पर रैली में मौजूद थे। उनको रोकने के लिए जो है लगातार वहां पर बंगाल पुलिस तमाम कवायद कर रही थी, चाहे वो वाटर कैनन हो, चाहे वो स्मोक गैस हो, तमाम तरीके के चीजों का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन भाजपा के जो नेता थे वो मानने को तैयार नहीं थे। हद तो तब हो गई कि जब भाजपा के नेताओं ने जो है वहां पर कमिश्नर को ही डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई और उसके बाद डंडों से जो है पुलिस को पीटना शुरू कर दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डंडों से जो है एक कमिश्नर को बुरी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता पीट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंकवाद को कपड़ों से पहचानो। अब आप देख लीजिए, कपड़ा देख लीजिए, हाथ में झंडा देख लीजिए, उसके बाद पहचान आप खुद कर सकते हैं। बताएं कि तमाम मीडिया चैनलों ने जो खबर दिखाई है, खबर को इस तरीके से उलट करके दिखाया है, जिस तरीके से एक फुटेज वायरल हो रही थी कि पुलिस के गाड़ी में जो है आग लगाने को लेकर के वहां पर एक टोपी पहने हुए शख्स को दिखाया गया था और बताया गया था कि इसी शख्स ने आग लगा करके गाड़ी को जलाया। लेकिन फिर उसके बाद एक और फुटेज सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भगवा खेमे से, भगवा धारी खेमे से किस तरीके से वहां पर उस गाड़ी में पेट्रोल डाल करके आग लगाया जा रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी की पुलिस जो है अब लगातार कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीटा गया है, असिस्टेंट कमिश्नर को पीटा गया है, इस तरीके से बर्बरता से उन पर लाठी डंडे चलाए गए हैं, ममता बनर्जी इसको हरगिज बख्शने वाली नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहो और देखते रहो नेक्स्ट टाइम।